गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीसी पोकी में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा डेट इज़ रेफरेंस मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो रेफरेंस मॉडल क्या होता है? ठीक है, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के रेफरेंस मॉडल की बात करते हैं तो इसका मतलब कि हमने एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क सा बना देना है ना क्लाउड का। जिस जैसे एक डायग्राम बना दी मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो उससे क्या होगा, मैं उससे पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग आपको समझा दूंगा कि देखो इस डायग्राम में भी ये इसके कंपोनेंट हैं, ये इसकी सर्विसेज हैं, ये काम करेगा, ये इसमें टोटल एक्टर्स हैं, है ना। तो उसको सारी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो, तो इसमें मैंने इस डायग्राम की हेल्प से पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग को समझाने की कोशिश करी है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं रेफरेंस मॉडल बोलूँगा क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो फिर रेफरेंस मॉडल क्या हुआ, द क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट मॉडल और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क विच इज यूज टू अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग और डिज़ाइनिंग अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो रेफरेंस मॉडल जब मैंने बना लिया तो मैं अब इसकी हेल्प से क्लाउड कंप्यूटिंग को समझ सकता हूँ, मतलब अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, इसका एनालाइज कर सकता हूँ और इसी की हेल्प से मैं कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डिज़ाइन भी कर सकता हूँ। तो डैट इज़ ऑल अबाउट रेफरेंस मॉडल। तो अब हम इस रेफरेंस मॉडल में पढ़ेंगे कि हमने इसमें दिया क्या हुआ है। तो अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के रेफरेंस मॉडल की बात करें या क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इसमें टोटल 5 तरह के कंपोनेंट होते हैं, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के 5 कंपोनेंट होते हैं। 3 तरह की इसमें लेयर यूज़ होती हैं, 2 तरह की इसमें वॉल जैसे सिक्योरिटी और प्राइवेसी ये यूज़ होती हैं, है ना। तो इसमें हम इसको अब वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि पहले तो हम कंपोनेंट पढ़ेंगे कि इसके में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये हमारे पास टोटल 5 तरह के कंपोनेंट हैं। अब हम इनको एक्टर भी बोल सकते हैं, एक्टर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कोई पर्टिकुलर इनका टास्क है जो इन्होंने परफॉर्म करना है क्लाउड कंप्यूटिंग को इम्प्लीमेंट करने में, या क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज इन लोगों ने प्रोवाइड करवानी है। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, डैट इज़ क्लाउड कंज्यूमर। अब ये क्लाउड कंज्यूमर है कौन लोग, ठीक है, ये एक पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज़ करना है। ठीक है, जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज़ करेंगे उनको हम लोग क्लाउड कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे क्लाउड कंज्यूमर इज़ द मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। तो इस इन ये क्लाउड कंप्यूटिंग, देखो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के कंज्यूमर ही नहीं होंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग बनाने का फिर क्या फ़न है, तो फिर वो बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, है ना। आप अगर कोई चीज़ बनाते हो, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो अगर उसको कोई यूज़ करने वाला ही नहीं होगा तो फिर उसका बनाने का भी क्या फ़न है ना। तो इसीलिए इसको मेन पार्टिसिपेंट्स बोला गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड कंज्यूमर्स को, ठीक है, कि जिन लोगों ने क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो कि इस डायग्राम ने हमने टोटल 3 तरह के कंज्यूमर बताए हुए हैं क्लाउड के, ठीक है, सास कंज्यूमर है, पास कंज्यूमर है एंड आस कंज्यूमर है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि जो सास है या पास है, जो आस है, ये है क्या, है ना, क्या सर्विसेज हैं। ये बेसिकली 3 तरह की सर्विसेज हैं जो क्लाउड प्रोवाइड करवाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करवाती है हम लोगों को, है ना। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास 3 तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। तो नेक्स्ट इज क्लाउड प्रोवाइडर। तो क्लाउड प्रोवाइडर क्या है, क्लाउड प्रोवाइडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ सर्विस अवेलेबल टू द क्लाउड कंज्यूमर। तो क्लाउड प्रोवाइडर कौन लोग हैं, ये भी एक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, मतलब एक टीम हो सकती है या एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिन्होंने क्लाउड की सर्विसेज को अवेलेबल करवाना है क्लाउड के कंज्यूमर तक, ताकि वो क्लाउड के कंज्यूमर उन सर्विसेज को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो क्लाउड के क्लाउड प्रोवाइडर हैं, है ना, इन्होंने इनकी मेजर एक्टिविटीज़ क्या हैं, जैसे सिक्योरिटी भी देनी है इन्होंने, प्राइवेसी भी देनी है, या क्लाउड की जो भी सर्विसेज होंगी, है ना, वो प्रोवाइड करवानी है, या क्लाउड को मैनेज करना है, है ना। जैसे कोई आप सर्विस यूज़ कर रहे हो क्लाउड कोई, तो आप तो एक जैसे ले मैन हो, है ना, आप तो सिर्फ वो सर्विस को यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको वो चीज़ हैंडल करनी नहीं आएगी। जैसे आपने कोई हार्डवेयर यूज़ किया, है ना, क्लाउड से कोई हार्डवेयर सोर्स को आपने यूज़ करा, अब अगर आपका वो हार्डवेयर सोर्स ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो उसको ठीक करना या उसको मैनेज करना तो क्लाउड प्रोवाइडर का काम है, आपने तो सिर्फ उसको यूज़ करना है। तो इसीलिए क्लाउड प्रोवाइडर ने आपको वो सारी सर्विसेज अवेलेबल करवानी है और उनको मैनेज भी करना है। तो जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है, डैट इज़ क्लाउड ऑडिटर। तो अब ये क्लाउड ऑडिटर क्या है, अ क्लाउड ऑडिटर इज़ अ डेडिकेटेड टीम
ऑफ टेक्निकल स्किल्ड पर्सन डैट कैन परफॉर्म एन इंडिपेंड एग्जीक्यूशन या एग्जामिनेशन और रिव्यू ऑफ क्लाउड सर्विसेज कंट्रोल विद द इंटेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द प्रोसेस एंड सम सुजेशन और इम्प्रूवमेंट्स। तो क्लाउड ऑडिटर क्या है कि जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं क्लाउड प्रोवाइडर के है ना तरफ से, तो उन चीज उनको उनकी ऑडिट करनी, मतलब कि वो सर्विसेज आप तक ठीक तरीके से पहुंच रही हैं या वो सर्विसेज ठीक हैं। जैसे आप सपोज करो आपने क्लाउड से क्लाउड के साथ आपका कम्युनिकेट कर रहे हो है ना, तो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है ना, तो ऑडिटर टीम क्या देखेगी कि क्या जो प्राइवेसी स्टैंडर्ड वो यूज़ कर रही हैं क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटर के प्रोवाइडर, तो वो प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट हो रखी है या आपका डेटा कहीं लीक तो नहीं हो रहा। उसने जो भी क्लाउड की स्ट्रेंथ होगी जो वीकनेस होगी उसका आपको एक बता देना सारा चार्ट बनाकर कि ये इसमें वीकनेस है, ये इसमें अच्छी चीज़ें हैं। तो ये काम होता है क्लाउड ऑडिटर का। आई होप आपको क्लाउड ऑडिटर समझ आ गया होगा। क्लाउड ऑडिटर ने क्या करना है, इस देखो ये दोनों से कम्युनिकेट करता है, ये क्लाउड कंज्यूमर से भी कम्युनिकेट करता है, ये क्लाउड प्रोवाइडर से भी कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करने का मतलब इसने जो क्लाउड की सर्विसेज कंज्यूमर यूज़ कर रहा है उससे भी फीडबैक लेनी है इन्होंने, और जो प्रोवाइडर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है उसका ऑडिट भी करना है, उसका चेक भी करना है, उस पर चेक भी रखना है कि वो सर्विसेज जो है वो आप तक ठीक तरीके से पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही है ना। तो मेजर रोल ऑफ आ क्लाउड ऑडिटर इज़ अ एवेल्यूएट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर। तो इसने क्या करना है, इसने जो सर्विसेज आपको क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करवा रहा है उसको एवेल्यूएट करना है, ठीक है, उसको चेक करना है जैसे मैंने पहले भी बताया। तो नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है डैट इज़ क्लाउड ब्रोकर। जो क्लाउड ब्रोकर है ना वो आपका इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है क्लाउड कंज्यूमर और क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, एक साइड पे क्लाउड कंज्यूमर है, बीच में क्लाउड ब्रोकर है, दूसरी साइड पे क्लाउड प्रोवाइडर है। जैसे आपने कोई क्लाउड की सर्विस को यूज़ करा, ठीक है, तो आप उसको यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है, कई सम कम्प्लेक्स सिचुएशंस में क्या होता है कि आपसे वो सर्विसेज मैनेज नहीं होती। जैसे आपने कोई हार्डवेयर सोर्स यूज़ करा या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो है ना, तो कई बार क्या होता है कि आपको उसको मैनेज करना नहीं आ रहा होता या आपके लिए टफ हो जाता है उसको मैनेज करना। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो, आप एक ब्रोकर को हायर करते हो, यानी कि क्लाउड कंज्यूमर और प्रोवाइडर के बीच में एक ब्रोकर इंटरमीडिएट की तरह या एक इंटरफेस की तरह काम करता है, जिसने कंज्यूमर के बिहाफ पे उन चीज़ों को मैनेज करना है, उन ऐप्स को, उन हार्डवेयर सोर्सेज को मैनेज करना है या उन सर्विसेज को मैनेज करना है जो क्लाउड प्रोवाइडर क्लाउड कंज्यूमर को प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका। तो नेक्स्ट है आपका क्लाउड कैरियर। तो क्लाउड कैरियर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर। तो ये जो क्लाउड के कैरियर के का मेन फंक्शन है वो क्या है, द रोल ऑफ क्लाउड कैरियर इज़ टू प्रोवाइड द कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लाउड सर्विसेज बिटवीन द क्लाउड कंज्यूमर एंड क्लाउड प्रोवाइडर। जैसे क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज आप तक पहुँचाने का काम किसका है, क्लाउड कैरियर का, ठीक है। आपने क्लाउड की सर्विसेज अगर कोई लेनी है तो प्रोवाइडर ने आपको प्रोवाइड करवानी है, लेकिन आप तक वो पहुँचेगी कैसे, आप तक वो ट्रांसपोर्ट जहाँ आपसे कनेक्टिविटी कौन बनाएगा, आप तक वो जो कनेक्टिविटी आपकी सर्विसेज की वो क्लाउड कैरियर करवाएगा। क्लाउड कैरियर प्रोवाइड एक्सेस टू कंज्यूमर थ्रू नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर एक्सेस डिवाइसेस। तो बहुत सारी डिवाइसेस वो यूज़ करके या बहुत सारे नेटवर्क्स को यूज़ करके या टेलीकम्युनिकेशन की तकनीक को यूज़ करके वो आप तक एक लिंक क्रिएट कर देगा कंज्यूमर का प्रोवाइडर के साथ, जिसके थ्रू आप सर्विसेज को ले सकते हो। देखो अगर आप क्लाउड की बात करते हो तो आपको क्लाउड की सर्विसेज लेने के लिए आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो जो इंटरनेट फैसिलिटी है या इंटरनेट जो प्रोवाइड करवा रहा है आपको, वही आपका क्लाउड कैरियर है। आई होप आपको ये टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके उसके बारे में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर करूँगा। नहीं तो एक दोबारा से एक वीडियो बन जाएगी इस पे, उस टॉपिक पे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप इस रेफरेंस मॉडल को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट करें। थैंक यू, थैंक्स सो मच।